आपके साथ मुरली। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भाजपा कार्य समिति की बैठक 20 और 21 जुलाई को होगी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ शाह का शाही स्वागत करने के लिए शहर के बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस दौरान किस अंदाज में शाह का परंपरागत स्वागत किया जाएगा। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 21 जुलाई को जयपुर आगमन के लिए हवाई अड्डे पर महिला मोर्चा की 2000 से अधिक कार्यकर्ता राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगी। हवाई अड्डे से नारायण सिंह सर्किल तक शाह के काफिले के आगे भाजपा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालेंगे। इसी बीच रास्ते में 7 स्थानों पर भव्य स्वागत की भी योजना है। शहर भाजपा अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राजस्थानी परिधानों में होंगी, हाथों में आरती की थाली और फूलों की वर्षा कर अभिनंदन करेंगी। हवाई अड्डे के बाहर राजस्थानी कलाकार घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य कर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम में आम लोगों को जोड़ने के लिए सामाजिक सरोकार जैसे स्वच्छता और पौधरोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन सभी तैयारियों को रूप देने के लिए मंगलवार को शहर महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष के स्वागत को यादगार बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करना चाहिए। इसी के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्य समिति से पहले नई प्रदेश टीम की घोषणा हो जाएगी। अब चुनावी रण जीतने के लिए प्रदेश टीम में नए चेहरे दिखेंगे। भाजपा की कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन 21 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर आएंगे। शाह कार्य समिति के समापन के साथ और भी कई महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से हाल ही फायरिंग हुई पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी जल्द ही होगी। क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी रोड मैप पर ही चर्चा होगी, इसलिए नई टीम के साथ ही कार्य समिति की बैठक होगी। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए इन्हीं तैयारियों के बीच प्रदेश के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ मुख्यमंत्री 1 अगस्त से प्रदेश में यात्रा शुरू करेंगी। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि यात्रा की शुरुआत कहां से होगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि कम से कम 40 दिन तक मुख्यमंत्री प्रदेश के हर क्षेत्र में यात्रा के जरिए भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की जनता से अपील करेंगी। यात्रा के दौरान संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान कुछ जगह बड़ी सभाओं में अमित शाह भी राजस्थान आएंगे। ये भी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राजस्थान आने के लिए आग्रह किया जाए। बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख नेताओं की बैठक में अगस्त से शुरू होने जा रही यात्रा के स्वरूप को लेकर भी मंथन हुआ। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री की यात्रा का कार्यक्रम 1-2 दिन में फाइनल कर लिया जाएगा। यात्रा कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद की जाएगी। खैर, देखना अब ये होगा कि चुनाव जीतने के लिए सत्ता में बरकरार रहने के लिए बीजेपी जिस तरह की योजनाएं बना रही है और उन पर अमल भी कर रही है, चुनावों के नतीजों में ये रणनीति कितनी रंग ला सकेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।